नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। सेंसेक्स और निफ्टी ने बनाया नया रिकॉर्ड। निफ्टी पहली बार 25,500 के ऊपर। भारतीय शेयर बाजार में लाइफ टाइम हाई। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 0.50% की कटौती की। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में जोरदार उछाल। एचडीएफसी बैंकों ने 1711 रुपए के ऊपर आकर ट्रेड दिखाया है। लेबनान में जनाजे में ही लोगों की जेब में रखे वॉकी टॉकी फट रहे हैं। 20 लोगों की मौत, 450 लोग हुए घायल। पहले फटे थे पेजर, अब वॉकी टॉकी, बैटरी, सोलर सिस्टम सब फट रहे हैं। इसराइल की यूनिट 8200 पर इन ब्लास्ट का शक है। बिहार के नवादा में दलित बस्ती के 21 साल से ज्यादा घरों में दबंगों ने लगाई आग। सारे घर जलकर हुए खाक। जमीन विवाद को लेकर हुआ विवाद। दबंग हमेशा परेशान करते हैं दलितों को। जलंधर स्टेशन पर एक दिलचस्प वाक्य हुआ। यहां जलंधर स्टेशन से गलत दिशा में चल पड़ी ट्रेन करीब 30 मिनट तक का रास्ता तय करने के बाद ड्राइवर को आया होश। ट्रेन कोलकाता से अमृतसर जा रही थी लेकिन उल्टी दिशा में चल रही थी। 30 मिनट के बाद नकोड़ा जंक्शन पर ड्राइवर को होश आया। यूपी के बहराइच और आसपास के इलाकों में भेड़ियों को पकड़ने के लिए अब इश्क का जाल बिछाया जाएगा। वन विभाग ने नई चाल चली। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए चलाएंगे मादा भेड़ियों की आवाज का लाउडस्पीकर। यूपी में आदमखोर भेड़ियों का नहीं थम रहा है आतंक। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद महाराष्ट्र के मुंबई से सटे ठाणे के मुंब्रा इलाके में लहराया फलिस्तीनी झंडा। यहां ईद ए मिलाद उन नबी के मौके पर एक जुलूस के दौरान यह घटना हुई। आरोपी शाकिब खान, तौहीद बेग और सोहेल को गिरफ्तार किया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता आतिश 21 सितंबर को लेंगे सीएम पद की शपथ। उनके साथ मंत्रिमंडल के सहयोगी भी इसी दिन लेंगे शपथ। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद पार्टी ने दिल्ली के नए सीएम के लिए आतिश को दिया है समर्थन। बरेली में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में युवक दोषी। पॉक्सो में 20 साल की सजा। वारदात कस्बा शीशगढ़ की है जहां कक्षा 8 में पढ़ने वाली छात्रा के साथ गांव के ही युवक ने दुष्कर्म किया था। पिता की शिकायत पर बेटी को जान से मारने की धमकी भी दी थी। अब जेपी नड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा खत। कहा राहुल गांधी ने पीएम मोदी का अपमान किया। पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने राहुल के लिए अपशब्दों के इस्तेमाल को लेकर पीएम मोदी को लिखी थी चिट्ठी। अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लेटर बम वापस राहुल और सोनिया गांधी की ओर उछाल दिया है। राजस्थान के दौसा में कई घंटों के संघर्ष के बाद बच्ची ने जीती जिंदगी की जंग। यहां बोरवेल में फंसी 2 साल की बच्ची। कई घंटों के ऑपरेशन के बाद बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बच्ची बीती शाम 4 बजे खेलते वक्त बोरवेल में गिर गई थी। 15 घंटे बाद बाहर आई जीवित। ये थे वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।